सारी घोषणाएं भारत में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जॉब क्रिएशन, रोजगार, हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन को बढ़ावा देगी। साथियों, भारत अमेरिका ने जो आर्टिमिस एकॉर्ड साइन किया है वो अंतरिक्ष में बहुत सारी संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। नासा का आर्टिमिस प्रोग्राम मून से लेकर मंगल तक के मिशन के लिए अपने आप में बहुत बड़ा है। इस प्रोग्राम से भारत जुड़ेगा तो दोनों ही देशों को फायदा होगा। नासा के साथ मिलकर स्पेस में भारतीय एस्ट्रोनॉट भेजने को लेकर भी बात आगे बढ़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए नासा द्वारा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इसलिए मैंने कल कहा, स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, ये सारे समझौते, ये एग्रीमेंट्स सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। टुगेदर वी आर नॉट जस्ट फॉर्मिंग पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट्स, वी आर शेपिंग लाइव्स, ड्रीम्स एंड डेस्टिनीज। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग यहां बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं। यहां आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन, आपका दिल भारत में भी लगा रहता है। और इसलिए आपकी सहूलियत ये भी भारत की प्राथमिकता है। आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के दो और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए, शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए। और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं।